कहानी के स्टार्ट होते ही हम लिली नाम की बंदी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है और ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि आज लिली का बर्थडे होता है। शॉपिंग करते हुए लिली शॉप के बाहर देखती है जहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे बुला रहा होता है, जिसका नाम सैंडी होता है। एक्चुअल में सैंडी लिली का बॉयफ्रेंड होता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब लिली की मॉम सैंडी को देखती है तब वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और उसे घूरने लगती है, जिससे हमें ऐसा लगता है लिली की मॉम सैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लिली सैंडी को देखकर उसके पास जाने लगती है। उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और बाहर आकर सैंडी को किस करने लगती है। इसके बाद लिली की मॉम शॉपिंग करके बाहर आती है, तब सैंडी उसको हेलो करता है, लेकिन लिली की मॉम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तभी लिली फिर से सैंडी को किस करती है। उसकी मॉम ये सब देखकर बहुत ही बुरा मुंह बना लेती है। सैंडी को समझ में नहीं आता आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इसके बाद ये लोग कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी लिली की मॉम सैंडी को घूरने लगती है और सैंडी भी उन्हें घूरने लगता है। लिली की मॉम उसे घूरना बंद कर देती है, लेकिन सैंडी अभी भी उन्हें घूरे जा रहा था। इसके बाद ये लोग घर पहुंचकर सामान निकालने लगते हैं। लिली सैंडी से घर के अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन सैंडी कहता है मैं सामान निकालने में हेल्प करता हूँ। इसके बाद लिली की मॉम सैंडी से कहती है एक घंटे में तुम्हारी बस है और तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन सैंडी घर के अंदर आ जाता है। सैंडी लिली की मॉम से कहता है लिली ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और आज उसका बर्थडे है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। क्या आप चाहती हो उसे बुरा लगे? लिली की मॉम उसे कोई भी आंसर नहीं करती। यहाँ तक हम लोगों को समझ में नहीं आता आखिर लिली की मॉम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं मौसम काफी गर्म होता है और लिली डिसाइड करती है वो सैंडी के साथ लेक पर नहाने जाएगी। सैंडी उसका बाहर वेट कर रहा होता है। लिली की मॉम लिली से कहती है हम लोगों को केक भी बनाना है। तब लिली कहती है अभी तो 11 ही बजे हैं, केक हम शाम को बनाएंगे। इसके बाद वो सैंडी के साथ लेक पर नहाने चली जाती है और उसकी मॉम साफ सफाई करने लगती है। इसके बाद वो बाहर सैंडी और लिली को एंजॉय करता हुआ देखती है। यहाँ पर उसकी नजरें हबस से भरी होती हैं। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। वो बर्थडे के लिए काफी सारी तैयारियां करती है और घर की साफ सफाई करती है। इसके बाद हम देखते हैं सैंडी उसके पास पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लिली की मॉम को एहसास हो जाता है सैंडी उसके पीछे खड़ा है और वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब सैंडी कहता है मुझे लिली ने सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा है। तब लिली की मॉम कहती है यहाँ पर देख लो। तब सैंडी कहता है मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही और वो उसके काफी करीब आ जाता है। तब लिली की मॉम कहती है सनस्क्रीन बाथरूम में रखी है, जाकर ले लो। और इसके बाद वो उसे कहती है एक घंटे में तुम्हारी दूसरी बस है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बाथरूम में आकर पानी पीने लगती है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन सैंडी लिली का बॉयफ्रेंड है। यही बात लिली की मॉम को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसके बाद सैंडी सनस्क्रीन लेकर वापस लेक में चला जाता है। लिली की मॉम उसे देखकर काफी अच्छा फील करती है। इसके बाद वो दोनों लेक से नहाकर वापस आते हैं। तब लिली की मॉम कहती है सैंडी को यहाँ से जाना पड़ेगा। तब लिली कहती है आखिर ऐसा क्या हो गया? वो कहती है सैंडी के फादर का मुझे कॉल आया, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है इसलिए सैंडी को यहाँ से जाना पड़ेगा। लिली कहती है अगर उसके फादर कॉल करते तो सैंडी के पास करते, उनका कॉल आपके पास क्यों आएगा? तब उसकी मॉम कहती है शायद सैंडी के फोन में नेटवर्क नहीं है इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन सैंडी सारी बात समझ जाता है क्योंकि उसके मोबाइल में फुल नेटवर्क होता है। इसके बाद वो लिली की मॉम से कहता है तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? तब लिली की मॉम कहती है मुझे समझ में आता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो, मैं तुम्हारे फादर को कॉल करके बता दूंगी। तुम मेरी बेटी के साथ बूम बूम करना चाहते हो। ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे थे। इसके बाद सैंडी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। सैंडी बाहर आकर लिली से मिलता है। लिली कहती है तुम अपने फादर का काम निपटाकर जल्दी वापस आना। इसके बाद लिली अपने मॉम के पास आती है और उनसे कहती है आखिर तुम सैंडी से इतना नफरत क्यों करती हो? लेकिन लिली नहीं जानती ये नफरत नहीं, ये अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहती है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लिली कहती है सैंडी बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हमेशा आपके बारे में पूछता रहता है। तब लिली की मॉम कहती है तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया? तब लिली कहती है आप लेक में बिना कपड़ों के नहाती थी और इसीलिए यहाँ के लोगों ने आपको वार्निंग दे रखी है। लिली की मॉम कहती है तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बताया? और लिली टॉपिक चेंज कर देती है। वो कहती है मिल्क कहाँ है, हमें केक बनाना है। तब उसकी मॉम कहती है शायद हमने मिल्क नहीं लिया। और वो अंदर आकर देखती है जहाँ पर ढेर सारा मिल्क होता है और वो उसे छुपा देती है और लिली से कहती है मैं मार्केट जाकर मिल्क लेकर आती हूँ। वो अपनी बेटी से झूठ बोलकर जाती है क्योंकि उसका जानवर बाहर आ रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में सैंडी मिल जाता है और वो उसके पास कार रोकती है। सैंडी चुपचाप कार में बैठ जाता है और लिली की मॉम को देखने लगता है। कुछ टाइम तक ये दोनों आपस में बात
नहीं करते। इसके बाद लिली की मॉम कार रोक देती है और उसे देखने लगती है, क्योंकि अब उसे टपाटप करना था। उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि सैंडी लिली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन सैंडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सैंडी उसे हाथ लगाने लगता है और वह पूरी तरीके से पानी पानी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों टपाटप करते हैं। सैंडी कार से उतरकर अपना टैंक खाली कर रहा होता है और लिली की मॉम को टपाटप करने के बाद काफी बुरा लग रहा था। तभी लिली का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती और सैंडी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद लिली की मॉम सिगरेट पीती है। सैंडी उसकी तरफ फिर से बढ़ रहा होता है, लेकिन अब लिली की मॉम सख्त हो चुकी थी क्योंकि वो अपने आप को ठंडा कर चुकी थी। लिली की मॉम सैंडी से कहती है, यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। सैंडी ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब लिली की मॉम घर वापस आती है, तब वो देखती है घर में तोड़फोड़ हुई है। और जब वो घर के अंदर आती है, तब वो देखती है लिली नीचे बैठकर रो रही है। उसकी मॉम को लगता है शायद लिली को सब पता चल गया है। वो लिली से पूछती है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? तब लिली कहती है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तब वो कहती है, मेरा फोन म्यूट पर था। लिली की मॉम पूछती है, तुमने केक कैसे बनाया? तब वो कहती है, मिल्क घर पर ही था और मुझे सैंडी का मैसेज आया, अब वो कभी नहीं आएगा और मैं बर्थडे नहीं मनाने वाली। वो अपनी मॉम से कहती है, आप सही कहती थी, सैंडी अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन उसे क्या पता ब्रेकअप की असली वजह कोई और नहीं उसकी मॉम है। इस बात का गिल्ट उसकी मॉम को भी होता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।